नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। रक्षाबंधन के पर्व पर तरह तरह के अपराध में निरुद्ध सजा काट रहे बंदियों की बहनें सुबह होते ही मथुरा जेल में अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए भारी संख्या में जमा हुई। मथुरा जेल प्रशासन ने दूर दूर से आए बंदियों की बहनों के लिए काफी सुरक्षित इंतजाम किए। इसके साथ ही कैदियों की बहनों से राखी भी बंधवाई। मथुरा जेल प्रशासन का इंतजाम इतना अच्छा था कि भाइयों के राखी बांधने आई बहनों ने बिना किसी परेशानी के जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधकर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने भाइयों को मिठाई भी खिलाई। तो वहीं भावुक बहनों ने प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। में रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कारागार में आपने जैसे बाहर देखा होगा, काफ़ी संख्या में बहनें आई हुई है, काफ़ी बड़ी संख्या में आई है। उनको नियंत्रित करने हेतु, भीड़ को नियंत्रित करनी हो तो सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कारागार में रक्षा पर्व मनाया जा रहा है। एक तरफ उनकी भावनाओं का भी कदर किया जा रहा है, साथ में सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है पुलिस फोर्स की मांग की गई थी और बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगी हुई है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। साथ में अंदर जो है जेल स्टाफ के द्वारा जो है तलाशी कराई जा रही है। डिप्टी जेलर के निर्देशन में जो है पूरी तलाशी व्यवस्था बंदियों के सभी जिला कारागार मथुरा में रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव 2022 के अवसर पर शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा केडी सिंह मेट्रो से अटल चौराहे घूमकर फिर केडी बाबू सिंह स्टेडियम स्टेट बैंक मुख्य शाखा पर समाप्त हुई। इस यात्रा में एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल भी मौजूद रहा। एसपी सिंह, उत्तर प्रदेश शराब एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज का पर्व 75 साल जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के सभी शराब व्यापारी व जिले के सारे व्यापारी यहाँ आके खड़े हो चुके हैं और हम लोग एक रैली, बाइक रैली यहाँ से लेकर जीपीओ तक निकाल रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि इस उत्सव को यादगार उत्सव मनाया जाए। इसमें हमारी भागीदारी भी बहुत जरूरी है और हमने माननीय आदित्य योगीनाथ जी का और हमारे जो आबकारी मंत्री नितिन का और नितिन अग्रवाल जी का तथा अन्य सरकारी आदमियों का भी हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। आबकारी आयुक्त साहब की बधाई आई है हमारे पास। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो है कमिश्नर साहब, ज्वाइंट कमिश्नर साहब सब यहां पहुंच चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए महाराजगंज जिले के सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज जिले के नौतनवा छपुआ तिराहे पर पहुंचे, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने सबसे पहले छपुआ तिराहे पर शहीद जवानों के स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। फिर मंत्री ने बाइक तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे, प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि जो हमारे देश के आज़ादी में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कहीं ना कहीं देश के सभी व्यक्तियों का उसमें योगदान था। और आप लोगों ने देखा होगा कि 2022 में झंडा अधिनियम में संशोधन करके जो तिरंगा पहले सरकारी भवनों पर ही लग सकता था, उसको परिवर्तित करके कि अब खादी के कपड़े पे ना बन के कहीं ना कहीं सभी कपड़ों पे झंडे का इस्तेमाल हो सकेगा और रात में भी झंडा लग सकेगा। इसको करके आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 13 से लेकर 15 तक देश के सभी घरों पर झंडा फहराने का कार्य, ताकि देश के अंदर एक राष्ट्रीयता का भाव हो और कहीं ना कहीं उसका लाभ पूरे देश। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सीओ मितौली अभय प्रताप मल्ल की मौजूदगी में नीमगांव में अमृत महोत्सव तिरंगा मार्च निकाला गया। पुलिस सर्वोत्तम बल के साथ ये तिरंगा मार्च निकाला गया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक मितौली अभय प्रताप मल्ल और सीओ प्रत्युक्षु आदित्य कुमार, कोतवाली प्रभारी
नीमगांव अवधेश कुमार, बहजम चौकी इंचार्ज सुनील कुमार अवस्थी के साथ कई लोग इस दौरान मौजूद रहे और तिरंगा यात्रा निकाली गई।